चाहिए हमको कविता पढ़कर। देखो कल मैंने आपको हार्ड वर्ड्स भी दिए थे, एक दो तीन चार, चार पंक्तियाँ। देखो मैं बोलकर दिखाती हूँ। हम प्रभात की नई किरण बन नई ज्योति बिखराएंगे, कण कण को तृण तृण होती माणिक सा चमकाएंगे। देखो इसमें से मैंने आपको कल कठिन शब्द मैंने आपको सिखाए थे, प्रभात ज्योति बिखराएंगे तृण और चमकाएंगे। तो आपको समझ में ना आपको कैसे चमकना है। आपने अब देखो हिस्ट्री में आपने पढ़े होंगे वीर सावरकर, लोकमान्य तिलक, ऐसे आपको देखो उन्होंने देश के लिए क्या कार्य किया है, वैसे ही हमें भी हमारे देश के लिए महान कार्य करना है। हमें चमकता चमकना है, हमारे जीवन में हमें चमकता है चमकना है। अभी आप छोटे बच्चे हैं, अभी हम देश के लिए कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हमारे घर में मम्मी पापा के साथ, हमारे दादा दादाजी के साथ, दादी जी के साथ अच्छा बर्ताव करना है। देखो कल मैंने आपको इस चित्र में दिखाया कि वो बच्चे कैसे दादा दादी जी को मदद करते हैं। अभी आप घर में हैं बहुत दिन, आप 2 महीने 3 महीने हो गए अभी आप घर में हैं, तो घर में अपने मम्मी पापा के साथ दादा दादी जी के पास कैसे बर्ताव करना है, अच्छा बर्ताव करना है, तभी आपके दादा दादी जी कहेंगे कि हाँ मेरे पोता पोती है ना वो बहुत अच्छे हैं, उनका बिहेवियर बहुत अच्छा है। अच्छे कर्म करके उपवन बनाएंगे, हमारा जीवन बगीचे की तरह
सुंदर होगा, हमारा जीवन में बगीचे की तरह सुंदर सुगंध आएगा। कारण हमें भंवरों के नवे गुण जन्म, जैसे भंवर कैसे करते गुनगुन गुनगुन करते हैं, वैसे ही हम क्या करेंगे, हमारा आवाज सभी तरह जाना चाहिए और अच्छा हमारे शब्द कैसे चाहिए, सुंदर चाहिए कि मेरे शब्द से दूसरों को कोई भी तकलीफ न हो, ऐसे शब्द मेरे मुंह से निकालने चाहिए। नूतन स्वर में गाएंगे, है ना, इसका अर्थ क्या है, हमें गाना नहीं है, हमें क्या करना है, हमारे शब्द मुंह से अच्छे आने चाहिए। और शब्द मुंह से अच्छे होने के लिए देखो आगे क्या दिया है, कली कली का फूल फूलेगा आनंद हृदय खिलाएंगे। फिर क्या, हमारा हृदय जो अच्छा होगा तो हमारे शब्द भी अच्छे आएंगे। तो हमें शब्द भी क्या करना है, अच्छा गुनगुनना है, तभी कभी कभी सुंदर शब्द आएंगे हृदय में। किसी को भी हम बोलते नहीं, ये लड़का ऐसा है, ये अच्छा नहीं है, वो मुझे अच्छी, देखो हम हमें बदलना चाहिए उसको नहीं, है ना, हम उसके साथ अच्छा व्यवहार करेंगे तो वो कभी 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 ऐसा दिन आएगा कि वो भी अच्छा व्यवहार करने लगेगा, हमें देख देख कर वो भी अच्छा व्यवहार करने लगेगा। हम लहरों की नई उमंग, है ना, हम नदी में देखते हैं ना, वो ठहरती है क्या, नहीं, वो सब मैला लेकर जाती है और सागर को दे आती है ना, वो खुद स्वच्छ रहती है। वैसे ही हमें हमें हमारे बाजू में रहते हैं, हमारे आसपास रहते हैं, वो बच्चे गंदे शब्द यूज करते हैं, तो हमें क्या करना है, वो हमारे पास से निकाल देना है। जैसे नदी का पानी स्वच्छ क्यों रहता है, वो खुद में कुछ गंदा रहते नहीं है, वो जाकर सागर में मिलती है और सागर को मिलती मेरा मेला सब ले लो। वैसे हमारे जीवन में जो कुछ गंदा है ना, वो हमको निकाल लेना चाहिए। तभी इसीलिए बोले कि हमें नई लहरों की उमंग बनना है, हमारे पास किसी की गंदगी नहीं रखनी है। संचित कर मिट्टी के कंकर हम सोना हो जाएंगे, क्या करेंगे हम, हमें क्या लगता है, अभी भी बड़ा होना चाहिए, हम अभी कौन से स्टैंडर्ड में है, अभी आप फोर्थ में गए हैं तो लगता है एग्जाम आएगी ना, अभी आपको कुछ नहीं लगता है, टीचर सिखाती है, टीचर वर्कशीट देती है, टीचर क्लासेस लेती है, तो अभी हमें कुछ नहीं, लेकिन जब एग्जाम आती है ना तो लगता है अभी मुझे कुछ पूरा पेपर लिखने को आना चाहिए। वैसे हो सकता है क्या, नहीं, कण कण करके मेहनत करनी पड़ती है। किसान ने अभी बोया और अभी उपजा नहीं, उसको 4 महीने लगते हैं। अभी देखो किसान कितनी, किसान देखो खेत में कितनी मेहनत कर रहा है, तो अभी वो बोएगा और बोने के बाद 4 महीने के बाद हमारा धान हमें दिखेगा। और धान ऐसे आता है क्या, वो फसल काटनी पड़ती है, जोड़नी पड़ती है, मशीन में लगानी पड़ती है, तभी कण-कण धान दिखता है। वैसे ही हम बोलते हैं कि ये इतना बड़ा हो गया, ऐसे ही नहीं होता है, उसने अपने जीवन में बहुत मेहनत की इसीलिए वो इतना बड़ा आदमी बन गया, इसीलिए उसको 99% मिले, ऐसे ही 99% नहीं मिलते। इसलिए सिंचित कर मिट्टी के कणकण हम सोना हो जाएंगे। देखो इतनी अच्छी सुंदर कविता है, तो मैंने पिछली बार में आपको एक्सप्लेन की थी, अभी आप भूल गए होंगे, इसलिए फिर से आपको थोड़ा सा मैंने आपको एक्सप्लेन करके दिखाया। अभी देखो उसके पीछे मौखिक प्रश्न है, वो भी मैं आपको अपने आपके नोटबुक में लिखकर दूंगी, लेकिन पहले हमने लिखित प्रश्न यहाँ मत लिखो आप, यहाँ हमें जगह नहीं, आपको लिखने को जगह नहीं मिलेगी यहाँ, ये प्रश्न आप अपने नोटबुक में लिखकर लो। देखो, बच्चे कण कण को किसके समान चमकाना चाहते हैं, ये लिखकर लो, बच्चे कण कण को मोती माण सा चमकाना चाहते हैं, लिख कर लो। दूसरा प्रश्न, प्रश्न दूसरा, बच्चे बच्चे उपवन को किस प्रकार सजाना चाहते हैं, बच्चे उपवन को किस प्रकार, बच्चे उपवन को किस प्रकार सजाना चाहते हैं। बच्चे उपवन को किस प्रकार सजाना चाहते हैं, बच्चे उत्तर
कर रहे हैं। बच्चे उपवन को नए फूलों से सजाना चाहते हैं। बच्चे उपवन को नए फूलों से सजाना चाहते हैं। तीसरा प्रश्न है, आपके पास प्रश्न है, आपके पास ये प्रश्न है, तो आप अभी से आंसर लिख सकते हो, सिर्फ आंसर लिख कर लो, बाद में प्रश्न के लिए लाइन छोड़ो, और एक प्रश्न उत्तर होने के बाद एक लाइन छोड़नी है। अच्छा हैंडराइटिंग लिखो, एक प्रश्न उत्तर होने के बाद एक लाइन छोड़नी है, उसके बाद दूसरा प्रश्न लिखने हैं, फिर उसका आंसर, फिर एक लाइन छोड़नी है। तीसरा प्रश्न, बच्चे बच्चे कलियों और फूलों के लिए क्या करना चाहते हैं? बच्चे कलियों और फूलों के लिए क्या करना चाहते हैं? बच्चे कलियों और फूलों के लिए हृदय व मुख खिलाना चाहते हैं। बच्चे कलियों और फूलों के लिए हृदय और मुख खिलाना चाहते हैं। अर्थात आपको समझ रहे हैं ना, बच्चे कलियों और फूलों के लिए क्या करना चाहते, तो क्या हम फूलों का हृदय और मुख खिलाएंगे क्या? नहीं, हमारा हृदय अच्छा होगा तो हमारा मुख भी अच्छा होगा, है ना। हमारा हृदय अच्छा होता है तो हमारा मुख प्रसन्न होता है ना, हमारा मन दुखी हो जाता है तो कोई भी पूछे आज क्या हुआ, पापा पूछते हैं ना शाम को आए तो, आज क्या मम्मी की डांट पड़ी क्या, इसलिए मुंह लटका कर बैठे हो, बोलते ना पापा, वैसे ही हमारा मन प्रसन्न होगा, हृदय प्रसन्न होगा तो हमारा मुंह क्या होगा, अच्छा होगा। इसलिए हमारे मन कैसा चाहिए, शुद्ध चाहिए। मन शुद्ध होगा तो मुख के शब्द भी हमारे कैसे आएंगे, अच्छे आएंगे। मुख खिलाना चाहते हैं। चौथा प्रश्न, अभी चौथा प्रश्न देखो, कविता की पंक्तियां पूरी करो, है ना। कविता की पंक्तियां, ये आप कविता देखकर आप बाद में आप ये कंप्लीट कर सकते हैं, कविता की पंक्तियां, और सही उत्तर के सामने टिक करो, है ना। सही उत्तर के सामने आपको आपको थोड़ा सेंटेंस में भी इसकी आदत है। तो पहला प्रश्न क्या है, बच्चे किसकी नई किरण बनकर ज्योति बिखराना चाहते हैं? बच्चे किसकी नई किरण बनकर ज्योति बिखराना चाहते हैं? तो देखो तीसरा आंसर है प्रभात, प्रभात के सामने टिक करो। उसके बाद में ख, बच्चे सुगंध को कहां लुटाना चाहते हैं? भी बच्चे सुगंध को कहां लुटाना चाहते हैं? सभी जगह। भेदभाव चाहिए क्या हमें? नहीं, जैसे बारिश सभी के खेतों में गिरती है, सभी जगह गिरती है, पृथ्वी पर गिरती है, वैसे ही हमारे मन में भी भेद नहीं चाहिए कि यही मेरा फ्रेंड है, मैं इसी की मदद करूंगा। नहीं,
अच्छा चाहिए ना, हम दूसरों का दुख हमें अपना लगना चाहिए। इसीलिए बच्चे सुगंध अच्छा कर्म सभी जगह लगाना चाहते हैं। बच्चे किसको देवगण बनाना चाहते हैं? जो लहरें आती है, नए नए पानी के ऊपर लहरें आती है, उसको नई उमंग बनाना चाहते हैं। इसलिए इसका आंसर क्या है? उमंग। लहरों के बच्चे किसकी नई उमंग बनाना चाहते हैं? सेकंड आंसर है लहरों की उमंग बनाना चाहते हैं। उसके बाद ये हो गया आप सबका, ये क्वेश्चन आंसर सब हो गए। बाकी मतलब वो क्वेश्चन कंप्लीट नहीं किए तभी बाद में कंप्लीट करो, लेकिन ये आंसर लिख कर लो। आप नोटबुक अच्छी रखनी चाहिए। क्वेश्चन के बाद आंसर, एक क्वेश्चन आंसर होने के बाद एक लाइन छोड़नी है, फिर क्वेश्चन आंसर, और क्वेश्चन आंसर